बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर मगध विश्वविद्यालय 2020-23 का कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। साथ ही साथ सर ये भी बताइए कि 2021-24 के स्टूडेंट्स का कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोनों सेशन के छात्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि 2021-24 के जो स्टूडेंट्स हैं और 2020-23 के जो छात्र हैं, ठीक है। 2021-24 और 2020-23 के जो दोनों स्टूडेंट्स लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, कब से स्टार्ट होगा, कब से शुरू होगा, मगध विश्वविद्यालय इतना समय ले रही है, आखिर इस पर कब एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन करें। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है magadhuniversity.ac.in, लिखकर आपको सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा मगध विश्वविद्यालय का। मगध विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन जारी किया जाता है सबसे पहले हमारे चैनल पर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन करो। देखिए यहाँ पर बात क्या है, 2020-23 के लगातार जो स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर कुछ इन्फॉर्मेशन आया है या नहीं आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों का जो है नहीं, जिन जिन छात्रों का भरा गया है एक बार कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात करें हम लोग, तो रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों का मात्र कुछ दिनों के अंदर अंदर में शुरू हो जाएगा। इसी मंथ में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म यानी परीक्षा फॉर्म दोनों शुरू होगा, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि मई में आप लोगों का जो है परीक्षा किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी द्वारा बोला गया है कि किसी भी हाल में परीक्षा आप लोगों का लिया जाएगा, ठीक है। मई में, तो मई में आप लोगों का परीक्षा जो है स्टार्ट हो जाएगा किसी भी तरह से। अब बात कर लेते हैं, देखिए 21-24 के स्टूडेंट्स भी लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर 21-24 वालों का कब से स्टार्ट होगा ये बता दीजिए। दोस्तों 21-24 वालों के लिए अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगा हम तुरंत आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है और अब न्यू सेशन यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल के बाद सभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 21-24 के छात्रों का भी जो है बहुत जल्द परीक्षा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन जो बाकी होगा परीक्षा फॉर्म लिया जाएगा, बहुत जल्द लिया जाएगा, ठीक है। पर अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन कुछ निकल कर आता है मगध विश्वविद्यालय की तरफ से तुरंत हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है सब्सक्राइब करके, क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम जा रहे हैं बात करने, और बात करने के बाद कोई भी सूचना निकल कर आएगा तो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो घबराए हैं, परेशान हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। अगर आपके कॉलेज आपके आपसे नज़दीक है, जैसे कि आपके घर से नज़दीक है आपका कॉलेज, 2-4-5 किलो 10 किलोमीटर है, तो आप जाकर एक बार कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, ठीक है। कॉलेज से संपर्क कर लेंगे तो आपकी जो है आपकी जो मतलब कि परेशानी है, जो बेचैनी है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। यानी आप कॉलेज से जाकर संपर्क करेंगे तो कॉलेज के अधिकारी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे आपको, ठीक है। तो आप कॉलेज से भी एक बार संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी बात है तो मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से पता करके उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा, कोई वीडियो नहीं बना रहे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं से समाप्त करूंगा। यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के कहने पर बनाया गया था, और वीडियो को मजा लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हम लोग, एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।